than current area or even my life. They should listen not only one point of view, they have to listen my point of view as well. Because it's easy to criticize, but if you don't know the old story, it's easy, you know. But it's Pierce, as I say before, it's part of... Are they still friends of yours, or do you have a line where... They are not my friends. Do you feel a bit betrayed? मैं घुसता जा रहा हूँ उतने मेरे पॉइंट्स अब दो तीन पॉइंट्स मुझे आपके साथ शेयर करने एक ओपिनियन मेरा फॉर्म है उसको मुझे आपके साथ शेयर करना है दो तीन बात उठ रही है अगर आप एक रोनाल्डो फैन हो ना पहली बात आपको बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में क्योंकि भाई ये वीडियो थोड़ा सा मैं रोनाल्डो के पॉइंट ऑफ व्यू से रखने वाला हूं इन फ्रंट ऑफ यू गाइस तो देखो यार पहला पॉइंट हर कोई बोल रहा भाई यूनाइटेड अब रोनाल्डो को नहीं खिलाने वाली आफ्टर दिस इंटरव्यू पहला सेकंड चीज क्या रोनाल्डो अपना आखिरी मैच खेल चुका है यूनाइटेड के ऑलरेडी थर्ड आफ्टर दिस वर्ल्ड कप जो रिपोर्ट भी आई है आफ्टर दिस वर्ल्ड कप शायद दोनों पार्टीज रिजॉल्व कर लेंगी जो भी है फिक्स कर लेंगे मैटर जो भी है दोनों पार्टीज आपस में बट मेरे ख्याल से ये चीजें कुछ भी नहीं होने वाली अब रोनाल्डो ने जो इंटरव्यू दिया है वो एक इंटरव्यू नहीं था वो एक गुड बाय इंटरव्यू था गुड बाय मैसेज था बहुत क्लियरली अगर आप ढंग से वो देखोगे कितने आराम से रोनाल्डो बैठा हुआ है ऐसे ओपिनियन दे रहा है जैसे कि अब वो यूनाइटेड प्लेयर है ही नहीं वो यूनाइटेड प्लेयर अब नहीं है मेरे ख्याल से वो नहीं है वो मान चुका है ऑलरेडी वो गुड बाय कर चुका है यूनाइटेड को आराम से बैठा चौड़ में बोल रहा है आई डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर एरिक टेन हाग मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता तो मैं उस बंदे की भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता सिंपल उसने डिसीजन दे दिया अपना उससे दिख रहा है उसके वो इंटरव्यू से दिख रहा है That's what I feel. अभी तो that's what I feel. अब 90 मिनट में वो क्या आता अभी मुझे कुछ नहीं पता भाई सेकेंड टॉपिक जो मुझे बात करनी है ड्रामा से रिलेटेड भाई हर कोई रोनाल्डो की गलती हर कोई वो एक लाइन पकड़ के बैठ गया है रोनाल्डो को पॉइंट आउट कर रहा है ट्वीट कर रहे हैं बड़े बड़े पंडित आपको पता ही है भाई I don't have respect for Erik ten Hag. तूने कितनी मतलब रोनाल्डो को पॉइंट आउट करते हो तूने कितनी रिस्पेक्ट करी Erik ten Hag की जब तू स्पर्स वाले मैच में चला गया वर्कआउट कर गया कितनी रिस्पेक्ट करी यूनाइटेड फैंस की वर्कआउट कर गया कितनी रिस्पेक्ट करी जो टीम प्लेयर्स की जो तू वर्कआउट कर गया हर कोई लगा वो स्पर्स उस मैच में भाग गया चला गया हर कोई उस चीज को देखने में लगा हुआ बट उससे पहले ये चीजें कोई क्यों नहीं देख रहा हूं मेरे ख्याल से उस इंटरव्यू में यही चीजें आएंगी वही चीजें वो शो करने वाला है मतलब ये बहुत सही है साल भर आप लोग गाली दो साल भर आप लोग मतलब ये मीडिया है जर्नलिस्ट है आप गाली दो पंडित है गाली दो पीछे पड़े रहो रोनाल्डो चुप रहे जब रोनाल्डो अपने इंटरव्यू में जाके कुछ बोले मेरे ख्याल से अब वो यूनाइटेड प्लेयर नहीं है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ उस वीडियो में पिछली वीडियो में मैंने बोलता हाँ रोनाल्डो गलत है एज अ यूनाइटेड प्लेयर आप ये चीज नहीं कर सकते क्योंकि प्रोफेशनलिज्म कहाँ है बट मेरे ख्याल से वो गुड बाय मैसेज करके अब वो रिवील कर रहा है चीजें और उस 90 मिनट में वो यही चीज रिवील करने वाला दैट्स अभी तक तो मुझे वो दैट्स व्हाट आई फील भाई ये चीज ही होने वाली है उस 90 मिनट में तो वो कोई नहीं देखा जा रहा आप बस उसका रिजल्ट और आउटकम पे लगे हुए भाई रोनाल्डो ने ये कर दिया रोनाल्डो ने वो कर दिया भाई एरिक टेन हाग भाई सही कर रहा है रोनाल्डो भाई बेकार है कुछ नहीं कर पा रहा चांस दे रहा तब भी हग रहा है अरे भाई रुक अच्छे से बात करते हैं वो जो कोई चीज देख नहीं रहा उस चीज को कोई नहीं देख रहा वो उस क्लिप में दिखा भी है रोनाल्डो कैसे बात कर रहा है मैं बहुत ज्यादा हर्ट हूँ उस चीज से और मैं आपको मैसिव डिफरेंस दिखाता हूँ बिटवीन सर एलेक्स ने कैसे वो सिचुएशन डील की थी हैंडल की थी और एरिक टेन हाग ने सिचुएशन कैसे हैंडल करी है वो सबको पता है जब रोनाल्डो के फादर की डेथ हुई थी सिर्फ 20 साल का लड़का था सर एलेक्स ने बोला जितना टाइम तेरे को चाहिए तू ले और आराम से वापस आ अब रोनाल्डो का बेबी ऑलरेडी वो अपना एक बेबी खो चुका है अपना खून ऑलरेडी खो चुका है उसका जो डॉटर है सिर्फ तीन महीने की वो हॉस्पिटलाइज है कौन सा पापा कौन सा फादर कौन सा डैड ऐसा सोच सकता है मैं फुटबॉल के बारे में 1% भी सोच सकते जब उसका वो ऑलरेडी इतना सिचुएशन में फंस रखा है बेबी खो चुका है हॉस्पिटलाइज बच्चा हॉस्पिटलाइज हो रखा है कोई नहीं सोचेगा प्री सीजन टूर से मिस कर दिया वापस आता तो उसने इंटरव्यू में बोला है लोग मुझ पे शक कर रहे थे नॉट ओनली द कोच कुछ और मेंबर्स भी थे जो डाउट था जिनको डाउट था मेरे पे भाई आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चीजें बिल्ड कैसे हुई है वो क्यों कोई नहीं देख रहा है हर कोई रिजल्ट पे लगा हुआ रोनाल्डो ने ये कर दिया रोनाल्डो ने इंटरव्यू दे दिया रोनाल्डो ने वो कर दिया रोनाल्डो के साथ क्या हुआ यार वो क्यों नहीं देख रहा कोई और देखो यहाँ यूनाइटेड का भी है और मैं ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ यूनाइटेड फैंस को भी पता है न्यूट्रल फैंस को भी पता है इस समय बहुत बेकार सीन है भाई यूनाइटेड में जो बोर्ड है वो जो ओनरशिप है वो जो ओनर्स हैं बहुत बेकार सीन है भाई अब बात इधर क्या है जब सैंचेस इस टीम में आया था फ्रॉम आर्सेनल तो सैंचेस ने पहले ट्रेनिंग सेशन में ये बोल दिया था घर जाके अपने एजेंट को भाई जितनी जल्दी वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट हम वो फाड़ नहीं सकते क्या
हम अपने वापस अपने आर्सेनल में नहीं जा सकते, सिर्फ पहले ट्रेनिंग सेशन के बाद बोल दिया था, तो डेफिनेटली कुछ तो गड़बड़ होगी ना भाई उधर अंदर, जो किसी को नहीं पता, हम बस अपना ओपिनियन बोल रहे रख रहे पर अंदर किसी को नहीं पता यूनाइटेड उधर क्या माहौल है, क्या कितना प्रेशराइज करा जा रहा है, क्या सीन है, किसी को कुछ नहीं पता। सेकंड पॉइंट, ज्लाटन बोलते हैं कि भाई बाहर से मैनचेस्टर बहुत बड़ा क्लब है, बहुत बड़ा क्लब दिखता है, बहुत पावरफुल है, बहुत रिचेस्ट क्लब है, बट अंदर से उतना ही वो स्मॉल एंड क्लोज मेंटेलिटी वाले वो मतलब है, ये ज्लाटन की लाइन है। थर्ड, मोरिनियो बोलता है भाई मेरे वन ऑफ द बेस्ट, अगर मैं करियर का कुछ अचीवमेंट को जो आगे जाके जो भी है जो बेस्ट लगता है वो ये पॉइंट है, यूनाइटेड को मैंने सेकंड पोजीशन फिनिश करवाया प्रीमियर लीग में, ये सेकंड पोजीशन पे लाना बिहाइंड द सीन्स यू हैव नो आइडिया वो क्या, ये उसके वर्ड्स हैं, हर कोई एक बंदा एक ही चीज पे लगा है, वो क्या है अंदर यूनाइटेड के अंदर क्या है, क्या है वो कोई किसी को नहीं पता, बट सबको बोलना है भाई रोनाल्डो, अरे रोनाल्डो ने वो चीजें फेस किया, रोनाल्डो जैसा एक विनिंग मेंटेलिटी वाला बंदा जो कभी भी होल्ड बैक नहीं करता भाई, वो वापस रिप्लाई करता है भाई ये अभी नहीं कर रहा, वो पूरे करियर में वो करते आया है, वो ये चीज क्यों नहीं दिख रहा, वो उधर क्या चीजें हुई है वो किसी को नहीं पता, कैसे ट्रीट किया गया रोनाल्डो को वो किसी को नहीं पता, हर कोई रोनाल्डो 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 रोनाल्डो, मुझे एक तो ये समझ आ रहा कैसे रोनाल्डो के जो हेटर्स है कैसे वेट कर रहे हैं उसके डाउनफॉल, भाई कैसी सिचुएशन, और रोनाल्डो ने कर दिया, रोनाल्डो ने वो कर दिया, रोनाल्डो ने कर दिया, भाई क्या मिल जाएगा यार, कुछ नहीं मिलने वाला भाई इन चीजों से, कुछ नहीं मिलने वाला, क्या करोगे रोनाल्डो का, क्या वो स्टेटस मतलब उसको वैल्यू उसका डाउन करके डाउनग्रेड करके रोनाल्डो ऐसा है रोनाल्डो वैसा है रोनाल्डो थी 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 थी, क्या मिल जाएगा, रोनाल्डो का स्टेटस छीन लोगे क्या आप लोग, क्या कर लोगे रोनाल्डो का वो गोट वाला स्टेटस, वन ऑफ द गोट है वो, उसका स्टेटस छीन लोगे, अगले 100 साल 200 साल 500 साल बाद भी रोनाल्डो का नाम लिया जाएगा भाई इस फुटबॉल वर्ल्ड में, ऐसे उसके कारनामे यार, आप कुछ नहीं कर सकते यार, हेट करके क्या मिलेगा, और मैंने वैसे ही ऑलरेडी मैं कुछ नई बात नहीं बता रहा, ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूं, उसमें मैंने ये चीज बोली थी, जब रोनाल्डो रिटायर भी हो जाएगा, रिटायरमेंट भी ले रहेगा ना, तब भी ये हेट खत्म नहीं होने वाली अगेंस्ट हिम, और सिर्फ मैं फैंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फैंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मीडिया की बात कर रहा हूं, मैं जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूं, न्यूज़पेपर में हेडलाइंस की बात कर रहा हूं, भाई बहुत नजदीक सीन है भाई रोनाल्डो के साथ, रोनाल्डो सिर्फ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इस इंडस्ट्री फुटबॉल इंडस्ट्री में इंस्पायर नहीं करता यार, अभी तो जो कोई नया फुटबॉलर आ रहा है, जो कोई नया कोई भी एक नाम बताओ, हालैंड बताओ, एम्बाप्पे बताओ, रियल मैड्रिड से लिंक हो रहा है एंड्रिक, उसका बताओ, किसी का बताओ यार, हर कोई लगा हुआ है भाई रोनाल्डो मेरा आइडल है, रोनाल्डो मेरा, वो चीज आप छीन लोगे उससे कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर सकते भाई इन चीजों में, फुटबॉल इंडस्ट्री को साइड करो, बॉक्सिंग में चले जाओ, एमएमए में चले जाओ, कहीं चले जाओ, क्रिकेट में चले जाओ, बेसबॉल में चले जाओ, रग्बी में चले जाओ, हर जगह रोनाल्डो के फैंस हैं। तो भाई दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, पता नहीं वो 90 मिनट में क्या होने वाला, क्या बम फटने वाला, मेरे को तो ये लग रहा है वो गुड बाय इंटरव्यू है, गुड बाय कर चुका है ऑलरेडी, वो बात करने वाला है, ये चीज वो करने वाला है, ये चीज मैं अगेन में ये मैं शायद बोली कि नहीं बोली, ये चीज है, साल भर आप गाली दो, साल भर आप गलत न्यूज छापो, साल भर आप फेक न्यूज छापो, सेल करो अपनी न्यूज सेल करो, अब जब रोनाल्डो इंटरव्यू देने आ रहा है ना, तो कैसे हर लोग उठ के आ गए, रोनाल्डो गलत कर रहा, रोनाल्डो गलत कर रहा, भाई उसको ये बात बोलने की जरूरत नहीं है, उसको ये करने की जरूरत है, अरे रोनाल्डो होल्ड बैक नहीं करेगा मेरे भाई, अभी से नहीं बहुत पहले से रोनाल्डो होल्ड बैक नहीं करने वाला, पीछे पड़े हैं भाई। मैं रोनाल्डो के बारे में एक चीज आता हूँ, रोनाल्डो को ना बोलते हैं रोतड़ू है, ये रो देता है, अरे ये एक्टिंग करता है, वो याद है यूरोज में, अरे लंगड़ा देखो लंगड़ा कैसे कोच बन गया, अभी तो लंगड़ा था, ऐसी सी बातें, बेशरम भाई, ऐसे वर्ड यूज करे जाते हैं रोनाल्डो के लिए, फक भाई। रोनाल्डो वो कहते हैं ना हिंदी में क्या आता है वो, कि एक नारियल होता है ऊपर से बहुत वो हार्ड होता है और अंदर से सॉफ्ट होता है, भाई वो एग्जैक्टली वो रोनाल्डो है, बिलीव मी वो इमोशन दिखते हैं वो रोनाल्डो पिच पर रो देता है, वो इमोशन वो बहुत एक्सप्रेसिव नेचर का है भाई, अभी तक नहीं समझे क्या यार, बहुत एक्सप्रेसिव का, वो होल्ड बैक नहीं करने वाला, वो नहीं कर सकता होल्ड बैक, सिर्फ इस सिचुएशन में पूरा थ्रू आउट हिज करियर रोनाल्डो के लिए रिस्पेक्ट क्यों है, इतनी हेट मिलने के बाद भी रोनाल्डो टॉप पे जाता है, रोनाल्डो टॉप पे रहता है, सबसे डील करता है, जब पूरा वर्ल्ड भी उसके अगेंस्ट में होता है भाई वो डील करता है, वो प्रूव करता है, सबको चुप कराता है भाई। जितनी आप लोग हेट करोगे ना उसको, उतने मेरे ख्याल से जो उसके फैंस है ना उतने उसको और रिस्पेक्ट करेंगे, इतनी हेट के बाद भी वो बंदा टॉप पे बैठा हुआ है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, गुड बाय वो कर चुका है, दैट्स द थिंग, मेरे को जो अपना बोलना था एक पॉइंट, और सेकेंड पॉइंट यही चीज है भाई, हर कोई रिजल्ट और आउटकम पे देख रहा है, कोई उस चीज को नहीं देख रहा जो मेरे ख्याल से वो शायद आई होपफुली वो 90 मिनट में जो वो बोलने वाला है वो चीज वहां उस पे ही वो करने वाला है, फोकस करने वाला, लाइट डालने वाला है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू वेरी सून, थैंक यू।